हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन है जब आप बौद्ध हो गए नई बात कह रहा हूं तो बौद्ध के बारे में अच्छा बुरा करो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो बुरा है इधर ही राकेट गिरे लखनऊ तब बेटे ने अभी क्या कहा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ भारत पाकिस्तान वाला कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जय राम के नारे लगाए जनता ने क्यों भाई हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता

दोस्तों भारत पाकिस्तान की मैच से पहले जब हैदराबाद में पाकिस्तान की सपोर्ट में नारे लगे थे तब सब कुछ सही था और जब भारत पाकिस्तान की मैच में खुशी की मौके पर जय श्रीराम के नारे लगे तब हो गया जलन आज की डिबेट में उदयनिधि स्टेलिन हमस आतंकी स्वामी प्रसाद मुड़िया और सोनिया गांधी को बहुत अच्छे से धोया है दोस्तों ऐसे निडर पत्रकार के साथ देने के लिए वीडियो अंत तक देखे चलिए शुरू करते हैं अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा सिख क्यों नहीं बात करेगा बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा जैन क्यों नहीं बात करेगा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन है रुक तेरे को बताता हूं बम बजा आएगा ना भिडो मैं एक बात नहीं समझ पाता कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध हो गए थे यस yes. जहां तक मेरी जानकारी है ठीक जब आप बौद्ध हो गए नई बात कह रहा हूं तो बौद्ध के बारे में अच्छा बुरा अध्ययन करो क्या अच्छा है क्या बुरा है जो बुरा है वो और अच्छा कैसे हो उधर भंते लोगों के साथ बैठो नहीं कुशीनगर में आसन लगाओ कपिलवस्तु में योग ध्यान करो आप हिंदुत्व के पीछे क्यों पड़े भाई आप क्या हिंदुत्व का पता नहीं और अगर आप कह हूं, हूं, तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं उस पर भी कोई रोशनी डाल दो नहीं डाल पाएंगे आपकी आप टांगे है डॉक्टर बुलाना पड़े बेहोश हो जाए पसीना आ जाए पल्पटेशन बढ़ जाए टेम्पटेशन बढ़ जाए नहीं बोल पाएंगे अगर बोल देंगे तो भगवान का नाम लो सलमान रशदी जैसा कहीं ना मामला हो जाए अरे ये बात है क्या पूरी दुनिया में रश्दी घूम रहे हैं बचना मुश्किल है तेईस साल बाद भी हमला हुआ क्या वो तो ग्रह अच्छे थे तो जिंदा बच गए नहीं तो राम नाम सत्य था और किसने मारा मुन्ना खान साहब आप समझो किसने मारा उस लड़के ने मारा जब सैटेनिक वर्सेस लिखी थी सलमान रश्मि ने तब वो लड़का पैदा भी नहीं हुआ था उसने जाके चाकू गोली घूस दी क्या उसने सेनेटिक नहीं देखी फ्रांस में अभी एक अध्यापक को एक धार्मिक नारे के साथ चाकू मार, मार दिया गया हमास से क्या हो रहा है दुनिया देख रही है अगर सब धर्मों पर बोलने का बड़ा मन है मौर्या जी का ये जिसका भी तो मैं कहता हूं आइए हम मंच देते हैं फिर उन पर भी बोलिए सब पर बोलिए आप तो हमास की आलोचना नहीं कर सकते मारे डर के कि हमास वाले ने हमको पकड़ ले मारना शुरू कर दे भैया इधर ही राकेट गिरे आके लखनऊ तब ये सब मत करिए केवल एक बड़े वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस बार बार मत करिए समझ में आया ये भारत के मन के साथ आप अनाचार कर रहे हैं इसका राजनीतिक उत्तर मिल रहा है बहुत राजनीतिक उत्तर है मैं थोड़ी कड़वी बात बोल देता हूं शीष जी को याद होगा जब दंगा हुआ था दो का मुजफ्फरनगर का तो मैंने एक बात कही थी सोनिया जी गई थी मिलने रिलीफ कैंप में दो रिलीफ कैंप थे दो तरफ एक तरफ जाट एक तरफ मुसलमान मैं सीधे बोलूंगा अल्पसंख्यक मेजोरिटी सीधी बात एक तरफ मुसलमान और एक तरफ जाट सोनिया जी से सबने कहा कि दोनों से मिलो वो केवल मुस्लिम पक्ष में होकर चली आई कैंप में ऐसे राजनीति करेंगे ऐसे शासन करना चाहते हैं हिंदुस्तान के माथे पर ये नहीं चलेगा ना। आपको होना चाहिए था और आपका कलेजा इतना बड़ा नहीं था मजबूत नहीं था तो नहीं जाना चाहिए था टेलीफोन से पूछ लेती हाल चाल जिस पक्ष का पूछना था और आप राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन थी और आपकी सरकार थी केंद्र में क्या मैसेज दिया आपने अधिकारियों को पूछिए अखिलेश जी गए थे मुजफ्फरनगर वहां दोनों साहब के लोगों की आंख से आंसू पूछने नहीं क्यों मौलाना नजीद को भाई सिक्योरिटी किसने दी जो दंगों में वांटेड था जो दंगों में वांटेड था जिसको एसपी ढूंढ रहे थे अचानक से एसपी उसको सैल्यूट मारने लगे बाई सिक्योरिटी दे दी मुख्यमंत्री निवास बुला के क्यों उसके बाद आप कहेंगे कि समदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए समदर्शिता के उदाहरण है नहीं? नहीं ये तो देखना होगा ना नहीं जब खिलजी यहां आया जब नादिर शाह आया जब एवक आए टेबक आए तमाम लोग आए आक्रांता और उन्होंने रक्त की नदियां बहा दी यहां भारत में भारत के मान बिंदुओं को ध्वस्त किया तो भाजपा वाले थे वहां ये बवाल करा रहे थे क्या वाले बवाल करा रहे थे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को जब ध्वस्त किया गया तो क्या प्रोवोकेशन था क्यों, क्यों किया गया किसी को बवाल किया था नहीं ना इसलिए कड़वा है मित्र सत्य कड़वा है और मैं कहूँगा राजनेताओं को ही ये फुलझड़ी ये चिनगारी के खेल से अलग रहना चाहिए चिनगारी का खेल दूर बुरा होता है मित्र ये मौर्य जी को हो पता नहीं क्या गया अरे आप में जमीर होता तो आप भाजपा में रहते हुए बोलते ना हम भी तो आपकी हिम्मत को सलाम करते कि भाई आदमी साहसी है तब तो आप जय श्री राम बोलते थे आरती घंटा घुमाते थे मंत्री बने रहे इसलिए yes. क्या ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन में आप जाके भाषण देते थे तब ब्राह्मण महान था अब आपको ज्ञान आ गया तब क्यों नहीं आया मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता किसको नफा होगा किसको नुकसान होगा लेकिन नपना एक होना चाहिए नपना एक होना चाहिए स्टालिन के बेटे ने अभी क्या कहा अभी जो ये वर्ल्ड कप हुआ भारत पाकिस्तान वाला कहा मुझे बड़ी शर्मिंदगी है जय श्री राम के नारे लगाए जनता ने तो भाई हिंदुस्तान में जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता पाकिस्तान में लगाए <laughs> क्या समस्या क्या हिंदुस्तान में नारा लगने से और खेल के मैदान में नारा लग जाएगा तो खेल के मैदान शुद्ध हो जाएगा लेकिन मुन्ना खान समस्या यहां पर नहीं है मित्र समस्या यहां पर है कि स्टालिन के उस लड़के को दो दिन पहले नमा... खेल के मैदान में नमाज पर आपत्ति नहीं हुई खेल के मैदान में नमाज हो तो सर्वधर्म समभाव, खेल के मैदान में दर्शक जय श्री राम बोल रहे तो छीछी 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 ये भाव नहीं चलेगा देश में ना मैंने बड़े बड़े विद्वानों के वक्तव्य देखे बोले बताइए कैसे जाहिर लोग हैं जय श्री राम कर रहे हैं खेल के मैदान में क्यों तो भाई खेल के मैदान में जय श्री राम मना है क्या अरे हम तो अस्पताल में भी आदमी होता है तो भी राम राम करते हैं उसकी सलामती के लिए राम तो हमारे उल्लास में है शोक में है विषाद में है अभिवादन में है प्राण में है कहां से आप हटाइएगा क्या बात है सर इसलिए मैं कहता हूं यह रास्ता खतरनाक है राजनीतिक मुद्दों पर अपना चौसर खेलिए आपको किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करें आप धर्माचार्य हैं और लाख टके की बात जब आप बौद्ध हो गए तो बौद्ध धर्म के बारे में चिंतन मनन करिए हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए मौर्य जी महाराज आपकी बेटी अभी एक कथा भागवत में गई थी आरती कर रही थी उन्होंने अपनी फोटो भी लगाई आप बेटी से संबंध तोड़ लेंगे नहीं ना ये बड़ी अच्छी बात कही आप अभी अखिलेश यादव की फोटो आई थी अखिलेश जी की नवरात्रि पर दुर्गा पूजा करते हुए मौर्या जी उस क्या कहेंगे हिंदू देवताओं के बारे में और अगर यही बात आपने दुनिया के और किसी मुल्क में बोल दी होती मौर्य साहब तो क्या कहूं क्या हो जाता बिना बोले तो हमास हुआ जा रहा है हमास वाला मामला देख ही रहे हैं। है? क्या हादार मचौरिया मौर्य जैसे लोग चांपे पड़े इसका प्रतिकार होना चाहिए राजनीतिक स्तर पर नहीं सामाजिक स्तर पर प्रतिकार होने चाहिए सियासत वाले सियासत जाने लेकिन देश को मौर्य जैसे लोगों को यह हिदायत देनी चाहिए कि आप अपनी सीमा के भीतर रहें धन्यवाद मज़ा आया दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत